हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MDM Tech to Vision में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में सीखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जो यूज होता है ब्रेडबोर्ड, तो ब्रेडबोर्ड के बारे में। तो दोस्तों चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो ब्रेडबोर्ड के बारे में। दोस्तों हमारा ये ब्रेडबोर्ड है और ये हमारा ब्रेडबोर्ड में कुछ इसी तरह से छोटे छोटे होल होते हैं, देख लीजिए आप, ये छोटे छोटे होल होते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव है होल पास पास में, थोड़ी गैप है, ये 5 वोल्ट है। 1 2 3 4 ये फाइव ऐसे ही हॉरिजॉन्टली शॉर्टिंग है, इधर से एक पॉइंट शॉर्ट है तो इधर तक शॉर्टिंग है तो 5 है। इससे भी मैंने यहाँ पे जम्पर लगाया हुआ है, यहाँ से दूसरा 5 वोल्ट, यहाँ से हम दूसरा 5 लॉक ज्वाइन करने के लिए इधर तक जम्पर लगाया मैंने, ये जम्पर लगा के इधर से हॉरिजॉन्टल शॉर्टिंग इधर तक आपको दिखाई देगा। ऐसे नीचे रो में ऐसा ही है, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक है दोस्तों, और ये हॉरिजॉन्टल शॉर्टिंग है। ये हमारा वर्टिकल, ये देख लीजिए, ये हमारा वर्टिकल ही है। ए बी सी डी दिखाई होगा आपको, यहाँ पे ए बी सी डी ई, ये पूरा वर्टिकली शॉर्टिंग है। इसके पास ये वर्टिकली शॉर्टिंग है, ये भी वर्टिकली शॉर्टिंग है, वो बीच में गैप है। ये 5 है, ये एफ जी एच आई जे, ये पूरा शॉर्टिंग है, ये वर्टिकली शॉर्टिंग है, और जैसे मैं आगे इसको बताया मैंने ऐसा ही वो शॉर्टिंग है, पूरा पूरा ब्लॉक 5 वोल्ट, 1 2 3 4 5 शॉर्ट है। और ये जम्पर लगाया मैंने, ये 1 2 3 4 5 ये शॉर्ट है हॉरिजॉन्टली, जैसे ऊपर वाला ऐसा ही नीचे शॉर्टिंग है, ये पूरा वर्टिकली शॉर्टिंग है, ये शॉर्टिंग होगा इससे, ये पूरा शॉर्टिंग है वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टली शॉर्टिंग है। इस पूरे होल जो ब्रेडबोर्ड में जितने होल है वो 840 होल है पूरे ब्रेडबोर्ड में, 840 होल है ये हमारे ब्रेडबोर्ड में वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो इसको पहले हम जॉइंट भी कर सकते हैं, इसका यूज जो पहले स्टूडेंट प्रैक्टिकल में करते हैं और इसको रिमूव करके दूसरा भी सर्किट इसमें यूज कर सकते हैं हम। इसको जॉइंट इस तरह से करते हैं हम, इसको ऐसे रखा है, इसको भी ऐसे हम इसको जॉइंट कर सकेंगे, ऐसा हम प्रेस करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे हम इसको जॉइंट कर, जो बड़ी बड़ी पीसीबी होती है इसको सर्किट प्रैक्टिकल पहले करने के लिए ज़्यादा सर्किट होगी तो इसमें हम कर सकेंगे। इसमें भी ये हॉरिजॉन्टली शॉर्टिंग है, ये वर्टिकल ही है, ये भी वर्टिकल ही है, ये हॉरिजॉन्टल ही है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी वर्टिकल है, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल ही है, ऐसा हम ये ब्रेडबोर्ड है। तो ब्रेडबोर्ड को पहले कैसे बताता हूँ इसको एक बार देख लीजिए, इसके पीछे का भाग। तो दोस्तों ये हमारा पीछे का भाग है, ये रहा हमारा पीछे भाग, इसको ऐसे ये निकाल के एक गुंदर वाला प्लेट होता है, इसको हम कहीं पे प्रैक्टिकल का इसको चिपका सकते हैं, ये वाला भाग चिपका सकते हैं। तो इसको अब मैं आपको बताऊंगा इसको निकाल के पीछे का भाग में कौन सा होल होता है। दोस्तों मैं इसको निकालता हूँ आपके लिए, दोस्तों यहाँ से मैं देख लीजिए आप, मैंने इसको पीछे का भाग, ये पीछे का भाग मैंने निकाल दिया है। तो ये ब्रेडबोर्ड फिर से हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये यहाँ से निकल गया, गुंदर ये सब निकल गया है, तो आपके लिए मैंने ये ब्रेडबोर्ड यहाँ से ख़राब किया है। तो देख लीजिए आप, बारी देखेंगे इसमें छोटी छोटी पट्टी होती है, ये पट्टी है, ये पट्टी कौन सी है, ये है, ये हॉरिजॉन्टली है पट्टी, ये पीच नीचे वाली भी पट्टी हॉरिजॉन्टली है, ये हॉरिजॉन्टली है और ये वर्टिकली है, देख लीजिए वर्टिकली है, जे यहाँ पे मैंने बताया था ए बी सी डी ई एफ, जैसे ये है वो नीचे वाला भाग भी ये है, ये हॉरिजॉन्टली है। तो ये कितने कितने तक है मैं बताता हूँ आपको, पहले ये बताऊँगा मैं हॉरिजॉन्टली,
देखिए गाइस यहाँ से मिल पलता तो आपको ये पट्टी है हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली है, ये यहाँ से मैंने निकाली है, इधर से मैंने निकाली है, देख लीजिए ये हॉरिजॉन्टली है, यहाँ पे वर्टिकल में ऐसे यहाँ से मैंने निकाली है इधर से, और भी हॉरिजॉन्टली में बताता हूँ आपको निकाल के। हॉरिजॉन्टल पट्टी में यहाँ से निकाल दिए, देख लीजिए ये पूरी हॉरिजॉन्टल पट्टी मैंने निकाल दी है इधर से, इस साइड से यहाँ से पूरी निकाल दी है मैंने, तो आपको पता चल गया होगा कि इसका पीछे का भाग क्या होता है। ऐसे ही छोटी छोटी पट्टी होती है, इससे हम कनेक्ट करते हैं। इस ये छोटा दिख रहा होगा भाग आपको शायद, ये देख लीजिए इधर हम कोई भी कंपोनेंट इसमें लगाते हैं, ऐसे ही लगाते हैं इसको, समझ लो अपना ये रजिस्टर लगाने का है हमको, तो ये रजिस्टर है हमारा, ये रजिस्टर है, वो कैसे लगेगा ब्रेड बोर्ड में, इससे लगेगा, इसमें ऐसे लगता है, ऐसे लगेगा रजिस्टर, जैसे यहाँ पे हम लगाते हैं इसको, ऐसे लगाते हैं। दोस्तों मैंने पहले आपको बता दिया इसका पीछे वाला भाग कैसे इसका कनेक्शन होता है, जैसे ये एल्यूमिनियम की पट्टी होती है अलग अलग, देख लीजिए ये वर्टिकली है, ये हॉरिजॉन्टली है, ये भी हॉरिजॉन्टली है, ये वर्टिकली है, तो आपने देख लिया होगा। अभी मैं बताता हूँ इसमें कनेक्शन कैसे करते हैं अपने ब्रेड बोर्ड पर, तो पहले मैं बताता हूँ सीरीज़ का कनेक्शन कैसे करते हैं। चलो मैं लिए पहले बता दूँ मैं सीरीज के कनेक्शन के बारे में, गाइस देख लीजिए ये हमारा सीरीज है, तो सीरीज में क्या है, दोनों रजिस्टर लगे हुए हैं, ये समझ लो आप, ये हमारा R1 रजिस्टर है, R1 रजिस्टर लगाएंगे कैसे लगाएंगे, ये हमने R1 रजिस्टर लगा दिया, ये हमारा R1 रजिस्टर है, तो R1 रजिस्टर यहाँ पे क्या, R1 रजिस्टर मैंने लगाया, यहाँ पे दूसरा रजिस्टर R2 लगाएंगे, ये रहा हमारा R2 रजिस्टर, तो कैसे लगाएंगे इसको, जो है यहाँ पे जो मैं ज्वाइन किया है तो क्या वर्टिकली ये ज्वाइंट है, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा वर्टिकली ज्वाइंट में, ये लगा दी, ये रजिस्टर दोनों लगा दिए, ये जॉइंटर है तो जॉइंट में यहाँ पे लगा दिए, वर्टिकली शॉर्टिंग है तो एक टर्म इधर है एक टर्म इधर, दोनों में क्या देंगे यहाँ पे हम सप्लाई देंगे, तो ये कौन सा कनेक्शन हुआ, सीरीज कनेक्शन हुआ, तो पता चल गया होगा यहाँ से, लेकिन हम ऐसे नहीं लगा सकते इसको, एक इधर और एक इधर, तो ये क्या हुआ, ये दोनों शॉर्ट हो गए, ये कौन सा हो गया पैरेलल हो गए, कौन सा हो गया पैरेलल, इधर से इधर हम सीरीज की जगह पैरेलल हो गए, पैरेलल के बता देता हूँ मैं आपको, ये रहा दो रजिस्टर हमने लिया है R1 ये है R2 हमारा ये है, दोनों में से ये जो जॉइंटर है तो ये रहा, दूसरा जॉइंटर ये रहा, कि ये पूरी ट्रैक यहाँ पे होल जॉइंट है, इससे ऐसे भी ये और ये दोनों इधर से जॉइंटर है, तो आपको सीरीज पैरेलल पता चल गया होगा। अभी सीरीज पैरेलल अलग दोनों कंबाइन में देखेंगे एक बार, तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगा, ये देख लीजिए हमारा सीरीज एंड पैरेलल दोनों के लिए कनेक्शन करेंगे हम, तो दोस्तों ये हमारा सीरीज है ये हमारा पैरेलल है, तो कैसे कनेक्शन करेंगे, पहले हम सीरीज में कनेक्शन कैसे करेंगे देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ पर मैंने लगा दिया, क्योंकि क्या है ये हमारा इधर से इधर है, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकली शॉर्टिंग, हॉरिजॉन्टली शॉर्टिंग नहीं, हॉरिजॉन्टली इसको क्या है, ये पूरा हॉरिजॉन्टली शॉर्टिंग है, ये हॉरिजॉन्टली शॉर्टिंग है, ये वर्टिकली शॉर्टिंग है, एक रजिस्टर लगा दिया, मैं दूसरा रजिस्टर लगा तो इधर से यहाँ पे दूसरा दो रजिस्टर लगा दिया, ये पॉइंटर हमारा ये है, ये जॉइंट लगाया दोनों दिया वर्टिकली शॉर्टिंग है, तो यहाँ पे दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, ये और ये दोनों, ये और ये पॉइंटर, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया, दूसरा भाग ये है रजिस्टर का टर्मिनल, इसमें से दो टर्मिनल पैरेलल में लगेगी,
तो अपने पास दूसरा दो रजिस्टर है, पैरेलल कैसे लगाएंगे इसको, ऐसे लगा दिया, इस तरह से इधर लगाया मैंने, इधर से इधर लगा दिया, इधर से लगा दिया, शॉर्टिंग है। दूसरा इधर से हम इधर लगा सकते हैं, ये मैंने लगा दी इधर, आपको पता चल गया क्या हुआ, ये हमारा जॉइंट है तो ये रजिस्टर ज्वाइन हुआ। इधर से मैंने दो लगा दिया, ये रजिस्टर पूरा रजिस्टर लगा के मैंने इधर ये दोनों शॉर्ट कर दिए। ये रहा, ये कौन सा, ये हमारी वर्टिकली शॉर्टिंग नहीं, ये हमारी हॉरिजॉन्टली शॉर्टिंग है। 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स शॉर्ट है, ये 5 ब्लॉक शॉर्ट है। यहाँ से शॉर्टिंग करने के लिए क्या करेंगे, याद है इधर एक हमको जंपर लगाना पड़ेगा, लेकिन हमारे 5 ब्लॉक एक यूज़ करने के लिए जंपर लगाना जरूर नहीं होगा। ये मैंने यहाँ से शॉर्ट किया, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बैटरी का टर्मिनल लगाएंगे हम दोस्तों। इधर से मैंने क्या लगाया, बैटरी का पॉइंट माइनस ये प्लस है, देख लीजिए इधर से शॉर्टिंग होके यहाँ पे, तो मैंने ये हमारा बैटरी का टर्मिनल है, ये प्लस वाला है, ये माइनस, तो प्लस वाला का लगाएगा R1, तो R1 कौन सा हमारा, ये है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एक टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे लगाएंगे माइनस, ऐसा कनेक्शन होगा। ये माइनस वाला भाग ये है, इधर से प्लस लगा दिया हमने ये वाला भाग पे R1 पे, और माइनस लगा दिया R3 R4 पे, ये R3 है हमारा, ये R4 है, शॉर्टिंग हो गया, ये पूरी हॉरिजॉन्टली शॉर्टिंग है, इसलिए तो आपको पता चल गया होगा इसका वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली शॉर्टिंग में क्या है। तो अब मैं एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ मैं आपको, इसके बाद मैं एक बताऊँगा आपको, ये हमारी एक ऐसी कैसे लगाएंगे, एक टर्मिनल शॉर्ट नहीं होना चाहिए, 3 टर्मिनल तो ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे तो ये शॉर्ट नहीं होगा, ये ट्रैक लाइन, ये लाइन, ये लाइन वर्टिकल अलग अलग है, तो ये शॉर्ट नहीं हो, लेकिन हम इसे लगाएंगे तो क्या होगा, गलत लगाया है हमने, क्यों, ये हॉरिजॉन्टली शॉर्टिंग है, 3 टर्मिनल ऐसे लीड अपने आप शॉर्ट हो गई है, तो ये गलत लगाया है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ मैं, तो दोस्तों हमारे पास एक सर्किट है, ये हमारा प्लस है बैटरी का, ये माइनस है, प्लस से क्या दिया है, रजिस्टर लिया है 1K का, ऐसे उस हिसाब से यहाँ पे एक LED ले लिया हमने, ये LED हमारे पास, इसका दो टर्मिनल है, जो बड़ा वाला भाग ये प्लस है, छोटा वाला माइनस है, और ये हमारे बैटरी के लिए सॉकेट है। तो भाई पहले हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, हमारा प्लस माइनस सप्लाई, यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टल शॉर्टिंग है, तो यहाँ पे प्लस सप्लाई देंगे हम, और इधर माइनस दे दिया, दो टर्मिनल दे दी, प्लस और माइनस, इसको प्लस में क्या लगाएंगे हम, एक रजिस्टर लगाएंगे, ये रजिस्टर लगा दी, इधर से हम इधर लगाएंगे, क्योंकि इधर नहीं लगा सकते, ऐसे लगा के ये पूरा रजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा, ये गलत लगा, इसकी जगह वो हॉरिजॉन्टल शॉर्टिंग, इसलिए ये यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे मैंने लगा दिया, ये टर्मिनल हमारा रजिस्टर का ये टर्मिनल है, और ये टर्मिनल हमारा ये टर्मिनल है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लगेगा, 5 वोल्ट का लेने के लिए, तो दोस्तों मैं अभी 5 वोल्ट पे LED लगाऊंगा, तो इधर मैं एक ब्लैक बोर्ड में एक LED लगा लेता हूँ, प्लस टर्मिनल पे जो बड़ा वाला लीड है वहाँ पे, छोटे वाली माइनस है, तो माइनस के लिए क्या लगाएंगे, एक वायर लगाएंगे, तो एक जम्पर लगाते हैं हम दोस्तों, इधर से मैं एक जम्पर लगाता हूँ, ये जम्पर लगा के माइनस सप्लाई है जो ये हमारा, ये नेगेटिव लाइन यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे भी लगा सकता हूँ मैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली शॉर्टिंग है, तो यहाँ से मैंने लिया ये सप्लाई, प्लस इधर से रजिस्टर में गया, रजिस्टर में से LED में गया, LED में से दूसरा सिक्का गया टर्मिनल, यहाँ पे आया शॉर्टिंग करके, ये आज मैं शॉर्ट लगाया, लिंक लगा के मैं माइनस दे दिया, यहाँ से मैं अभी बैटरी कनेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, ये हमारी LED ये यहाँ से ऑन हो गई है, देख लिया कैसे सर्किट डायग्राम हम किसी भी प्रैक्टिकल पहले ब्रेड बोर्ड पर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सर्किट पूरा बता दिया आपको, तो ब्रेडबोर्ड वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैसे होता है, वो पीछे इसके निकाल के अभी आपको बताया इसका कैसे होता है, ये वाला एल्यूमिनियम प्लेट होती है वर्टिकली है, ये हमारी हॉरिजॉन्टली शॉर्टिंग है, ये हमारी हॉरिजॉन्टली है, देख लीजिए इधर से इधर तक, तो आपको पता चल गया होगा गाइस। तो ब्रेडबोर्ड के बारे में, ब्रेडबोर्ड का ये हमारी ऐसी सर्किट बनाते हैं हम, लेकिन इसको हम
प्रैक्टिकली इसमें लीड के साथ कनेक्शन करके ब्रेडबोर्ड पे हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, इसकी जगह हम अच्छी तरह से ब्रेडबोर्ड पे बना सकते हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।